नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत के अगले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित करने के सुझाव ने पार्टी के भीतर खींचतान बढ़ा दी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने हरीश रावत के उस सुझाव को खारिज कर उन्हें पार्टी की परंपरा याद दिला दी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि आगामी चुनाव को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट कर चुके हैं। इस पर देर शाम हरीश रावत ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि पार्टी में चुनाव से पहले नेता तय करने की परंपरा बदल गई है, इससे उसके अधिकतर अच्छे नतीजे भी रहे हैं। उत्तराखंड में इस समय भाजपा के विरोध में हमने चेहरा घोषित करना चाहिए। आजाद हैं, जो चाहे वो कहे, हम उन पर ना नियंत्रण लगा सकते हैं ना रोक लगा सकते हैं। लेकिन हमारी तो उनसे यही प्रार्थना है कि ऐसा वातावरण बनाए जिससे जनता वोट देने को तैयार है, वो भागे ना हमसे। देखिए, हम लोग सब एकजुट हैं। अब जिनकी महत्वाकांक्षा होगी वो एकजुट नहीं होना चाहते। प्रदेश में कांग्रेस के भीतर चुनाव से पहले चेहरा घोषित करने के मुद्दे पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्य में पार्टी विधानमंडल दल के नेता इंदिरा हृदयेश ने रावत के बयान पर पलटवार में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में बहुमत आने के बाद ही चेहरा तय कर रही है, मुख्यमंत्री का नाम पहले तय नहीं किया जाता, पार्टी ने दूसरे राज्यों में बहुमत आने के बाद चेहरा तय किया है। हरीश रावत पार्टी की इस परंपरा को खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त पार्टी के कप्तान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव चुनाव में सामूहिक नेतृत्व की नीति जाहिर कर चुके हैं। वर्ष 2002 से 2012 तक हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी इस नीति पर आगे बढ़ी है, 2022 में यह परंपरा रहेगी। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता हुई तो प्रदेश संगठन में हाईकमान तक अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हरीश रावत पार्टी के राष्ट्र नेता हैं, उन्हें अपनी राय रखने का हक है। बड़ी ऐसी दिखाई देती है, क्या एकजुटता नहीं है, बीजेपी में क्या हो रहा है, वहाँ के हालात तो देख लो, एक दूसरे पर वार प्रतिवार करने का काम हो रहा है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, इस आंतरिक लोकतंत्र में जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो आपको लगता है कि हमने एक मतता नहीं, लेकिन हमारे प्रभारी जी ने स्पष्ट कहा है कि ये जो 2022 का चुनाव है ये संयुक्त नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मिश्रा जी ने अपनी बात की, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा भी कर दे तो उस पर विचार कर लिया जाए। और वहीं मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिसाली ने शिफन कोर्ट के बेघर हुए 84 परिवार से मुलाकात की है, उनको न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। नवीन ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा मसूरी में बढ़ती ठंड में गरीब लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है, ना तो सरकार और ना ही प्रशासन इनकी ओर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा है कि ना तो जिलाधिकारी और ना ही SDM मसूरी द्वारा मानव अधिकारों के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार गरीबों का शोषण कर रही है, जिससे प्रदेश के गरीब और असहाय लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि देहरादून पुरकुल रोपवे गरीब का हक मारकर और उनके घर उजाड़कर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसका फायदा ना तो जनता को मिलेगा और ना ही सरकार को मिलेगा। क्या कहा आप प्रवक्ता नवीन ने, आपको सुनाते हैं। पिछले 5 महीने में ये जनता, ये लोग मसूरी की सड़कों में इस हड़ कपाती ठंड में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन ना कोई प्रशासन ना शासन का कोई भी प्रतिनिधि इनकी सुध लेने को तैयार है। मानवाधिकार आयोग ने इन पर संज्ञान लिया था, उन्होंने प्रशासन को नोटिस भेजा, 2 बार नोटिस भेज चुके हैं, ना तो DM साहब ने कोई कार्रवाई इसमें की, ना SDM साहब ने कोई कार्रवाई की, और मानवाधिकार के आयोग के नोटिस को भी यहां से तामील नहीं किया गया है। और आज ये लोग अपना हक जब भी मांगते हैं इनको बंद कर दिया जाता है, डराया जाता है, गरीब लोग हैं कहां जाएं, ना तो उनको कानून का पता है, ना उनके पीछे कोई इतनी विषय है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उत्तराखंड में गरीबों का शोषण कर रही है, गरीबों को उजाड़ रही है, अब मैं समझता हूँ कि जनता आने वाले टाइम में इनको जवाब देगी। मसूरी उप जिला चिकित्सालय में कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया गया, जिसको लेकर SDM मसूरी द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। वह कोरोना वैक्सीन को लेकर किए गए इंतजामों की जांच लगातार कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर विशेष प्रबंध भी किया गया है, जहां पर रजिस्ट्रेशन रूम, वैक्सीन रूम और ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, जिससे कोरोना वैक्सीन लगने के बाद मरीज को मॉनिटरिंग भी किया जा सकता है। उप जिला चिकित्सालय CMS डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के बाद कोरोना वैक्सीन सेंटर बनकर ड्राई रन किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। वे अस्पताल की टीम पूरी तरीके से कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है। अस्पताल में कोरोना वैक्सीन टर्सरी केयर सेंटर भी स्थापित किया गया है। कैसे आसान तरीके से जनता के बीच पहुँचाया जाए, उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से तैयारी की गई है। उसी के क्रम में आज जो है मसूरी में हम लोग ड्राई रन कर रहे थे। सारी जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं उसको देखने के लिए मैं आया हुआ था। व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ ठीक मिली हैं, और जो पोर्टल पे ऑपरेशन है या फिर जो कमरे हैं, जो
साधन चाहिए वो सारी चीज़ें ठीक है यहाँ पे। तो अब हम लोग आश्वस्त हैं कि जो आने वाली तिथियों पे वैक्सीनेशन जो काम है उसको हम लोग सुचारू रूप से कर पाएंगे। मसूरी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कुंभ मेले को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा की गई तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा है कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कुंभ के मेले को राज्य सरकार द्वारा दी गई तैयारियों से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि कुंभ मेले में पैसों का बंदरबाट हुआ है। उन्होंने कहा है कि कुंभ मेले के लिए 4800 करोड़ रुपये का बजट था, परंतु केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मात्र 800 करोड़ पर ये मिल गया है। उससे भी बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग उनके कार्य में लीपापोती कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार के समय देवप्रयाग को अर्धकुंभ में शामिल किया गया था, परंतु वर्तमान की भाजपा सरकार ने बिना कारण बताए उसे हटा दिया। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले को लेकर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को भरपूर पैसा देती है, परंतु उत्तराखंड के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा का डबल इंजन स्टार्ट हो गया है। केंद्रीय मंत्री नहीं संतुष्ट, वो कह रहा कुंभ के कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ। तो आप और हम तो रोज ही देखते हैं क्या हालत है कुंभ में, कोई काम हुआ? कुंभ के करने के लिए लगभग 4800 करोड़ का बजट था, उसमें से मात्र जो है मेरे ख्याल से 800 करोड़ रुपया मिला है और उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कुंभ में कोई कार्य नहीं हो रहा है, लीपापोती करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। आज हालत यह है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पाते हैं कि हमको कुंभ के लिए पैसा दीजिए। हमने देवप्रयाग को जो है कुंभ क्षेत्र में शामिल किया था, इन्होंने हटा दिया। क्यों हटाया आपने? हमने तो अर्धकुंभ में सम्मिलित किया था, लेकिन इन्होंने उसको हटा दिया। उत्तर प्रदेश में कुंभ होता है, भरपूर पैसा जो है केंद्र सरकार देती है। हमारे राज्य में कुंभ होता है तो केंद्र सरकार भी हाथ खींच देती है। डबल इंजन अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया। मसूरी देहरादून पुरुकुल रोपवे का विरोध कर रहे शिफिन कोर्ट से बेघर हुए 84 परिवार द्वारा सोमवार से मसूरी पुरुकुल रोपवे की जगह धरना दे रहे हैं, जिसको मंगलवार की सुबह पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया है। इसको लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी नोकझोंक भी हुई है। मौके पर पहुंचे SDM मसूरी मनीष कुमार, CO मसूरी नरेंद्र पंत और मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल द्वारा शिफिन कोर्ट के लोगों को कानून को हाथ में न लेने का आग्रह किया है। CO नरेंद्र पंत ने कहा है कि शिफिन कोर्ट की भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है, ऐसे में वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बेवजह माहौल खराब कराया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं देहरादून मसूरी पुरुकुल रोपवे का कार्य को शुरू कराया गया है। मुख्य द्वार पर गेट को स्थापित करवाए जाने के काम को शुरू कराया गया है। वहीं मसूरी पुलिस द्वारा सरकारी काम में बाधा पैदा करने वाले 3 लोगों के खिलाफ CPRC की धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। सरकारी भूमि अतिक्रमण का जो विवाद था, यहाँ पर 3 महीना पहले इनको अतिक्रमण को खाली करवा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हम सतर्क दृष्टि बनाए रखते हैं। अभी 2-3 दिन से यहाँ पर जो कंपनी है FIL जो काम कर रही है फेंसिंग का और गेट लगाने का, तो ये सरकारी कार्य कर रही है। तो कुछ शिफन कोर्ट से जो हटाया गया था लोगों को, उनके द्वारा यहाँ पर कार्य में बाधा डाली जा रही थी, तो उन्हें बताया गया कि शांतिपूर्वक आप यहाँ से चले जाएं। और आज वहाँ पर हमने एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी वहाँ पर तैनात किया था और कुछ लोगों को वहाँ से हटाया गया है। कुछ लोग जो शांति व्यवस्था कायम करने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, 3 लोगों के खिलाफ हमने 151 की कार्रवाई भी की। चेयरमैन साहब ने हम आश्वासन दिया था कि भी हम जो जमीन देंगे, और विधायक साहब ने भी हमें ये आश्वासन दिया था कि अगर नगर पालिका जमीन देती तो हम पैसा दिलाएंगे, हम कॉलोनी बना के नहीं देंगे। लेकिन अभी ना नगर पालिका की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई और ना विधायक साहब, और जहां तक सरकार की बात है, विधायक साहब की बात है, वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, बराबर नज़रअंदाज कर रहे हैं। और उनके छोटे छोटे बच्चे आसमान के नीचे रह रहे हैं, बहुत बीमार भी हो गए, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग इनके माँ बाप हैं, खुला और ये खुला शोषण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं ये भाजपा की सरकार है, मैं इन्हें चेतावनी भी देना चाहता इसके आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इनका यही रवैया रहा गरीबों के साथ, तो आने वाले टाइम में 2022 में इनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, अगर इन लोगों ने इनकी नहीं सुनी इस सरकार ने। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।